दोस्तों, दूषित पानी की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों की टीम जाएगी पंजाब। जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा के अंदर किया है जो आश्वस्त की विभाग के अधिकारियों की एक टीम पंजाब जाएगी और श्री गंगानगर की नहरों में और हनुमानगढ़ की नहरों में आने वाले दूषित पानी की समस्या का निराकरण करने का करेगी प्रयास। मालवीय ने प्रश्नकाल में सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए यह कहा है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि दूषित पानी के संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 12 पत्र पंजाब सरकार को लिखे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखा है। विभाग पंजाब से बहकर आने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि NGT ने 22 जनवरी 2021 को पंजाब सरकार को दूषित पानी पर प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए हुए हैं। सब इससे पहले मालवीय ने सदस्य श्री राजकुमार गौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में जहरीला पानी आने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसका विवरण भी उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा है। और उन्होंने बताया है कि पंजाब से आ रहे प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु राज्य सरकार उच्च स्तर पर निरंतर प्रयासरत भी है। उन्होंने बताया कि BBMB अध्यक्ष से भी दीर्घकालीन उपाय के अंतर्गत प्रदूषित पानी की फ्लैगशिप हेतु SOP बनाए जाने का आग्रह भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जल की गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग हेतु इंदिरा गांधी फीडर एवं बीकानेर कैनाल पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित भी किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार से बातचीत कर पंजाब से जो फैक्ट्रियों का, लुधियाना की फैक्ट्रियों का, जलंधर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी, इस प्रदूषित पानी से होने वाले नुकसान से जहाँ एक और पंजाब सरकार को अवगत करवाया गया है और दोबारा फिर प्रयास किए जाएंगे कि पंजाब से इंदिरा गांधी नहर में और गंग कनाल में आने वाले प्रदूषित पानी को रोककर जनता को राहत देने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट। जल्दी जाइए।